नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल है हाउ टू मैसेज टू ए नंबर ऑन व्हाट्सएप विदाउट एडिंग इन कॉन्टैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आप कैसे किसी भी नंबर को डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और वो भी बिना कॉन्टैक्ट्स में ऐड किए हुए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही रहेगा, व्हाट्सएप में अगर आप किसी को भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो कंपलसरी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होना चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्ट नंबर पर मैसेज नहीं भेज सकते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, आप कैसे डायरेक्ट नंबर पर भी मैसेज भेज सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट जानकारी के लिए कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूँ पार्थ आपके साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे दो तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला तरीका जो है, एक लिंक आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों, वा मी लिंक। जी हाँ दोस्तों, WA.ME लिंक। और दूसरा प्रोसीड्योर जो है, यूजिंग एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको दो एप्लीकेशन के नाम बताऊँगा जिसके ज़रिए आप सिर्फ नंबर यूज करके व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रोसीड्योर जो है, यूजिंग वा मी लिंक। जी हाँ दोस्तों, WA.ME लिंक यूज करके आप कैसे सिर्फ नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल सर्च में ये टाइप करना है दोस्तों। इसको क्रोम में या फिर किसी भी ब्राउज़र में यूज ना करें, ये ऑप्शन जो है काम नहीं करेगा। आपको सिर्फ गूगल में इसको टाइप करना है। यहाँ पे देखिए, लिंक जो है आपको बता रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, https://wa.me/ आपका फ़ोन नंबर। तो कंप्लीट URL होगा दोस्तों, https://wa.me/ +91, जो कि आपका कंट्री कोड रहेगा दोस्तों। जैसे कि इंडिया का कोड जो है +91 है, और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, एंटर प्रेस करना है या फिर आप सर्च बटन में क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा दोस्तों व्हाट्सअप में। और वो नंबर अगर व्हाट्सअप में एग्जिस्ट है, यानी कि वो नंबर पर अगर व्हाट्सअप रजिस्टर है, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हो। जैसे कि देख रहे हो स्क्रीन पर, डायरेक्ट नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। तो ये गया दोस्तों पहला तरीका। दूसरा तरीका जो है, अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है पहले तरीका यूज़ करने के लिए, तो आप सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड प्रोसीड्योर जो है, उसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, यूजिंग एप्लीकेशंस। तो प्ले स्टोर में आपको ऐसे दो एप्लीकेशन के नाम बताऊंगा दोस्तों, जिसका साइज़ जो है बहुत कम है, और ये एप्लीकेशन बहुत यूज़फुल है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट नंबर पर मैसेज जो है कर सकते हैं दोस्तों। तो दो एप्लीकेशन में, सबसे पहला एप्लीकेशन है क्लिक टू चैट, और दूसरा जो है दोस्तों, ईजी मैसेज। तो यहाँ पे कोई भी एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें। यहाँ पे फ़िलहाल आपको दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसका डेमो जो है आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्लिक टू चैट इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। आप प्ले स्टोर में जाइए, क्लिक टू चैट सर्च करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, और वहाँ पर आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें, प्लीज़ ओपन क्लिक टू चैट। और उसके बाद आपको कंट्री कोड देना है दोस्तों, और उसके बाद आपका नंबर, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कंट्री कोड, उसके बाद नंबर दे रहा हूँ मैं। और उसके बाद क्लिक ऑन ओपन, उसके बाद आपको ओपन में क्लिक करना है। और उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये रिडायरेक्ट हो जाएगा व्हाट्सअप को, और ये व्हाट्सअप में वो नंबर अगर व्हाट्सअप में रजिस्टर्ड है, तो वो व्हाट्सअप में नंबर में ओपन हो जाएगा दोस्तों। नंबर के नीचे आप सेम जो, जैसे कि आप मैसेज वगैरह करते हो, वो मैसेज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पर ईजी से, जैसे कि देख रहे हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो दूसरा जो एप्लीकेशन है दोस्तों, वो है ईजी मैसेज। जी दोस्तों, इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल iOS के लिए मैं चेक नहीं किया हूँ दोस्तों। आप iOS, अगर एप्पल डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप एप्पल स्टोर में इसको सर्च कर सकते हैं। तो ईजी मैसेज इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें, ओपन करने के बाद एंटर फ़ोन नंबर। जी दोस्तों, कंट्री कोड के साथ यहाँ पर फ़ोन नंबर आप एंटर करें, और उसके बाद आपको एक बटन दिखेगा स्टार्ट चैट इन व्हाट्सअप, तो वहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद ये जो नंबर है, नंबर जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर नंबर व्हाट्सअप में रजिस्टर्ड है, तो आप उसके बाद वो नंबर जो है व्हाट्सअप में ओपन हो जाएगा दोस्तों। ओपन होने के बाद आप उसमें चैटिंग वगैरह, कोई भी मैसेज वगैरह, जैसे कि नॉर्मली आप भेजते हो व्हाट्सअप में, ठीक उसी तरह आप इस यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आसान सा तरीका है कैसे आप बिना नंबर कॉन्टैक्ट्स में ऐड किए हुए व्हाट्सअप में चैट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो है ना दोस्तों, ये आसान सा तरीका और इंटरेस्टिंग सा प्रोसीड्योर जो है, आप कैसे बिना नंबर ऐड किए हुए आपके कॉन्टैक्ट्स में आप कैसे किसी को भी SMS डायरेक्ट भेज सकते हो। जी दोस्तों, इमरजेंसी के टाइम में ये बहुत यूज़फुल है। आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्टैक्ट्स में उसको सेव करें, उसके बाद अपडेट करें व्हाट्सअप को। कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट करने के बाद वहाँ पर डिस्प्ले होता है वो नंबर, और उसके बाद आप उसको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये प्रोसीड्योर फॉलो करते हैं, तो आप इमरजेंसी अगर किसको मैसेज भेजना है व्हाट्सएप के ज़रिए, तो आप सिर्फ नंबर यूज़ करके व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज, यानी कुछ भी नॉर्मली व्हाट्सएप जैसे यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह आप
कुछ भी मैसेज, जैसे कि डॉक्यूमेंट हुआ हो या फिर इमेज, टेक्स्ट, कुछ भी जो भी आप व्हाट्सएप में फैसिलिटी पाते हैं, सेम फैसिलिटी पा के यहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ पे वीडियो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। जय हिंद दोस्तों।